भोलेनाथ की नगरी ये, घाटों का ये धाम, स्वर्ग की झलक यहाँ, काशी इसका नाम। संगीत और नाटक की प्रस्तुति मैथिली ठाकुर और पद्मश्री भारती बंधु द्वारा, भक्ति संगीत की प्रस्तुति कवि डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा, संगीतमयी प्रस्तुति मैं काशी हूँ और माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी द्वारा तुलसी की काशी संगीतमयी प्रस्तुति। तो आइए और कार्यक्रम को सफल बनाइए। स्थान रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र वाराणसी। अमृत उत्सव के तहत काशी में काशी उत्सव 3 दिवसीय मनाया गया, जिसमें आज तीसरे दिन दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मृदुल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भाग लिए और पहुंचते ही उनका स्वागत मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया और रविंद्र जायसवाल संग मनोज तिवारी मृदुल मिलकर के दीप प्रज्वलित किए और हर हर महादेव के नारों से पूरा काशी गूंज उठा। और जिसके उपरांत मनोज तिवारी मृदुल ने अपने मधुर गीतों से उपस्थित जनमानस को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो आइए मनोज तिवारी मृदुल के पूरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां हम आप सभी को दिखाते हैं। धन्यवाद।
तुलसीदास जी भी सुरसरी माई की आराधना के लिए बड़ा मनोजो करना चाहते जीत हो जाएगी। तो हमने
जब पढ़ना शुरू किया कि तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस को घर घर दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत की संस्कृति को लेके गया उसके घर में पहुंचा दिया, कैसे लिखा, कहां लिखा, कब लिखा, हमने के रोज काशी में बनिया की सब का ध्यान रख लिखे जा। आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी हमने के शहर के एगो गर्वित संतान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उनका कथन ताली बजा दिया और उनके संगे संगे विद्याशंकर राय जी भी बानी, आपके बहुत स्वागत करतनी महानगर के अध्यक्ष बानी आप, हमारा एक को कहना पे आ गई नहीं बड़ी कृपा, और जे आईजीएनसी के डायरेक्टर बाड़ी जे कार्यक्रम के कल्पना के लिए बाड़ी एकरा के हेड करतड़ी, वैसे वो आईपीएस ऑफिसर रही लेकिन आईजीएनसी के डायरेक्टर प्रेम का जी आपका दिन भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके रुद्राक्ष को साक्षात हमको भरा भरा दिखा दिया, इतने में मनोज तिवारी के आधा काशी में जनवला के सपना पूरा हो रहा। तो हम जब यात्रा शुरू लिखे शुरू करे तुलसी बाबा के, तो हम देखने कि तुलसी बाबा रामचरितमानस लिखने नहीं के लिए बल्कि लिखला के बाद उनके रामचरितमानस की बचावे के लिए पढ़ा। लिखे खातिर कहा गए रामचरितमानस लिखे खातिर, हाँ सर कुछ खोल ले उधर उधर बोल दिए, 1574 ईस्वी में उनके अयोध्या जी जाए के अयोध्या जी गए और ढाई साल में रामचरितमानस लिखा, कोई के मालूम नहीं रहे कहे कि लिखे के तो तुलसी बाबा लिखते नहीं, टेस्ट करे वाला तो काशी में बैठा जाने बाबा उससे बात की। मैं शब्द अटेस्ट कह रहा हूं, आधुनिक शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये सच्चाई है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस लेके कुछ कह रहे थे गलत टाइम पे गलत बात बोल देता है, हमारा ध्यान कहां गए रहता है खींच ले बोला था खाली आगे बढ़े आगे इतना बढ़ गए गए कहा जाए तो हमारा गाना लिखा हुआ दे सकते हैं क्या यार, जरा देखिए मुझे कुछ रखने के लिए नहीं है। अच्छा कोई बात, अब हम ऐसे दे दीजिएगा, हम चूंकि आज ही लिखे तो याद नहीं है ना, लेकिन मैं उसको देख के गाऊंगा ओके बात तो जो कह सकता हूँ। Yeah.
चाचा चाचा बन गया। वही समय था जब अयोध्या में राम जी का मंदिर टूट गया था। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई, उसके बाद उस मानस मंदिर पे आ जाओ, मानस मंदिर पे आ जाओ, जूते जहान हो, अरे तुलसी के काशी के हम काकरी बखान हो, कैसे बचावल गए रामचरित मानस के, कैसे
पांच रतन से बनी रे झुलनिया
Thank you.
चलो मैं कहना क्या चाहता हूँ सबको,
साथी थे ज्योति सिंह,